अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज के न्यू ब्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख। और आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है यहाँ फार्मेसी पर, इसी वजह से न्यू ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके बनाने का टाइम मिल रहा है, अदरवाइज़ इवनिंग शिफ्ट में टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग अपनी फार्मेसी को कैसे अरेंज करते हैं। जब आपके पास फार्मेसी में 20,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको उसको कैसे अरेंज करना है कि आपके कोलीग्स और आपको इजी हो उसको डिस्पेंस करने में, मूवमेंट करने में। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आपको प्रोडक्ट्स आपकी नज़र में नहीं होते, सामने नहीं होते, क्लास वाइज वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है। जब प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है आप उसको फाइंड नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे रैक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमारा नया स्टॉक भी रिसीव हुआ हुआ है। तो अभी इन रैक्स को हम वन बाय वन अरेंज करेंगे और छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए जो है ना इसमें ऐड करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे जो हैं सेक्शन वाइज जो है डिवाइडेड है। अब ये रैक्स जो हैं इनको हम कैसे अरेंज करते हैं, हम लोग इनको क्लास वाइज अरेंज करते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने वाली है, तो मैं आपको जो है ना शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स इसमें ऐड करती जाऊँगी, बताती जाऊँगी। जब हम सबसे टॉप रैक पे रखते हैं मॉक्सिसिलिन, क्लेवलॉनिक एसिड 1 ग्राम, वो हमारे सारे जितने भी ब्रांड्स उसमें आते हैं वो हमारे टॉप रैक पे अवेलेबल होते हैं। इसमें अभी ऑगमेंटन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से अवेलेबल नहीं है। और बाकी की भी जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 250 mg में अगर 4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं तो उनको एक साथ अरेंज किया होता है, और इसी तरह से उसमें 500 mg जो आ जाता है उसके अगर 4 ब्रांड्स हैं तो उनको भी उनके एक साथ अरेंज किया जाता है, ताकि इजीली आपके सामने होता है और आपके अलावा जो आपके बाकी कोलीग्स हैं उनके भी सामने होता है, किसी को भी इश्यू नहीं होता मेडिसिन ढूंढने में। 20,000 प्रोडक्ट्स को आप क्लासिफिकेशन के मुताबिक अरेंज करते हैं तो आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन अरेंज हो गया, हमारे तकरीबन सारे सेक्शंस अरेंज हो चुके हैं। अरेंज तो पहले से थे, उनको सिर्फ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था जो हम कर चुके हैं। अभी देखिए ये भी सारा ऑर्गेनाइज हो चुका हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मेडिसिन ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, और जितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड आपकी फार्मेसी होती है वो दिखने में भी अच्छी लगती है, और जो है आपको काम करना भी बहुत आसान होता है। इवनिंग शिफ्ट हमेशा बहुत मसरूफ़ रहती हैं, उस दौरान आप एक एक चीज़ ढूंढ नहीं सकते, आपको हर चीज़ आपकी आंखों के सामने नज़र आनी चाहिए। अगर 20,000 प्रोडक्ट्स आपकी फार्मेसी में हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो आपके जहन में भी बैठे होते हैं, आप स्टॉक चेक भी कर रहे होते हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने भी होते हैं कि इस लोकेशन में ये चीज़ पड़ी हुई है, और ईज़िली आप डिस्पेंस भी कर सकते हो। पेशेंट कंप्लायंस के लिहाज से भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेशेंट जब आपके पास आता है मेडिसिन के लिए वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता है, पहले ही लाइन लगी होती है पेशेंट्स की, और जब उनकी बारी आती है तो उनको ये होता है कि फटाफट से उनकी मेडिसिन उनको दी जाए और वो जाएं। रेस्टलेस होते हैं, ऑफ कोर्स बीमार होते हैं इस वजह से। और इसी तरह के, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फार्मेसी व्लॉग्स बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा ईमेल के थ्रू, और दुआ में भी याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।